नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के लिए लेकर फिर से हाजिर हैं। दोस्तों, कुदरत ने कुछ ऐसे नियम बनाए हुए हैं जिनके जरिए बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कितनी ही फ़ायदेमंद साबित क्यों ना हो, लेकिन उनके भी कुछ नुकसान छुपे हुए उनमें ज़रूर होते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भी ऐसी ही एक चीज़ के बारे में आपको बता रहे हैं जिसको खाने के फ़ायदे तो बहुत हैं, लेकिन ये बहुत सारे ऐसे नुकसान भी क्रिएट करती है जिनको हम अपनी हेल्थ को लेकर बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज़ आती है दालचीनी। जी हाँ, दालचीनी एक ऐसा मसाला है जो स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है, मोटापा कम करता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखता है, खून की भी सफाई करता है। इसके अलावा दालचीनी को शहद के साथ मिलाकर सेवन किया जाता है तो यह पेट की बीमारियाँ, सर्दी जुकाम, दिल की बीमारियाँ और कोलेस्ट्रॉल को दूर करने में भी मददगार होता है। लेकिन जहाँ पर किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा फायदे छुपे होते हैं, वहीं पर उस वस्तु के कुछ हानियाँ भी होती है और दालचीनी के सेवन से भी कुछ लोगों को नुकसान हो सकता है। अब वो नुकसान क्या है, आज की इस वीडियो में चलिए अब आपको बताते हैं कि दालचीनी से ऐसे कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं और किन किन लोगों को सावधानी रखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, पहले नुकसान की बात करें तो यह पेट में जलन पैदा करता है। जी हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में दालचीनी को खाने से पेट के अंदरूनी हिस्से में जलन महसूस होती है। पेट के अल्सर से पीड़ित मरीजों पर यह दुष्प्रभाव काफ़ी जल्दी देखने को मिलता है। इसके अलावा दालचीनी को ज़्यादा मात्रा में खाने से हार्ट बीट रेट बढ़ जाती है, इसलिए हार्ट पेशेंट को दालचीनी का ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। कई सारे पकवानों में दालचीनी के तेल का भी इस्तेमाल किया जाता है। दालचीनी के तेल के ज़्यादा इस्तेमाल से बच्चों की हार्ट बीट रेट तेज हो जाती है। इसके अलावा वैसे तो केसिया दालचीनी ऐसी है जो खून को पतला बना देती है, लेकिन सिलोन दालचीनी खून को पतला नहीं बनाती है। ऐसे में अगर आप खून को पतला बनाने वाली दवाई खा रहे हैं तो केसिया दालचीनी के सेवन से आपको बिल्कुल परहेज करना चाहिए। और अगर दालचीनी का सेवन करना ही है तो सिलोन दालचीनी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी पीरियड में अपच और पेट दर्द से छुटकारा पाने में दालचीनी मददगार तो होती है, लेकिन इसे प्रेगनेंसी के समय ज़्यादा नहीं लेना चाहिए क्योंकि यह गर्भाशय में संकुचन पैदा करता है। कई बार तो यह समय से पहले ही डिलीवरी होने की वजह बन जाता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को नियमित रूप से दालचीनी का सेवन नहीं करना चाहिए। हाँ, गर्भावस्था के दिनों में आप कभी कभार दालचीनी का सेवन बिना किसी परेशानी के कर सकती हैं। इसके अलावा दालचीनी के तेल में कुछ मिक्स किए बिना डायरेक्ट स्किन पर लगाने से स्किन को जलन हो सकती है, इसलिए दालचीनी के तेल के इस्तेमाल के समय खास तौर पर आपको चुकन्ना रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा मात्रा में सिलोन दालचीनी को लेने से ब्लड शुगर लेवल लो हो जाता है, यानी कि एक तरफ यह डायबिटीज़ के मरीजों के लिए अच्छा है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में ब्लड शुगर लेवल लो हो जाए तो भी आपको सुस्ती और नींद आने लगती है। ऐसे में चाय और कॉफ़ी में सिलोन दालचीनी की छाछ से बने तेल की 2 से 3 बूंदें ही डालें, ज़्यादा ना डालें। इसके अलावा दालचीनी एक एंटीबायोटिक औषधि की तरह वर्क करती है। ऐसे में जब तक आप एंटीबायोटिक दवाइयां खा रहे हैं तो उस समय दालचीनी का सेवन ना करें, वरना इससे आपके शरीर में दुगना एंटीबायोटिक की मात्रा हो जाएगी जिससे आपको नुकसान होगा। ऐसे में जब आप एंटीबायोटिक दवाएं ले रहे होते हैं तो इस समय दालचीनी के सेवन से परहेज करने में ही आपकी भलाई है। इसके अलावा दालचीनी के ज़्यादातर प्रकारों में लगभग 5% तक कुमरीन होता है, इसलिए ज़्यादा मात्रा में दालचीनी को लेने से लीवर फेल हो सकता है। इसलिए अन्य दालचीनी की तुलना में आपको सिलोन दालचीनी का सेवन ही करना चाहिए, क्योंकि सिलोन दालचीनी में केवल 0.04% ही कुमरीन होता है। तो दोस्तों, ये थे दालचीनी को ज़्यादा खाने से होने वाले कुछ दुष्परिणाम नुकसान। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।